हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में कल कैसे कामकाज किया जा सकता है, और उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो देखोगे आप लोग, अगर आप लोगों ने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी है तो आप लोग उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट क्लोजिंग या प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। देखो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं बट वर्क काफी अच्छे तरीके से करती है ना। तो इस चीज को समझना आपको होगा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल कि अगर 950 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, 950 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग ऊपर के लेवल्स देखेंगे, वो 21,000 और 21,030 का भी लेवल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था, डिस्कस किया था। और नीचे के लेवल्स की हम लोगों ने क्या बात की थी, अगर 900 ब्रेक करता है, अगर 900 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग वहां से 925 का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। 925 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 850 तक का भी लेवल देख सकते हैं। और सेलिंग प्रेशर जो है 800 अगर क्रॉस करेगा तो ही हम लोग देख सकते हैं मार्केट को नीचे आते हुए। 800 का मैंने ये भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो जिन्होंने एनालिसिस देखी है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट यहाँ तक आता है 800 या 800 के आसपास तो फिर मार्केट क्या होगा, एक रेंज में फंसा हुआ नजर आएगा। अगर इस लेवल को नहीं क्रॉस करता है, 950 का लेवल नहीं क्रॉस करता है तो फिर मार्केट एक लेवल में फंसा हुआ नजर आएगा। तो देखोगे आप लोग एग्जैक्ट यहाँ पे ये मार्केट एक रेंज में पूरी तरीके से फंस गया। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी फिर भी आप लोग देखोगे कि एक रेंज में फंसा रहा और सेलर एक्सपायरी देखने को हम लोगों को आज निफ्टी में मिला। तो सिंपल रखते हैं, जैसा कि ये आप लोग ये डब्बा ये बॉक्स जो देख रहे हो इसको ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको ही ध्यान में रखना है। ये लेवल अगर क्रॉस करता है, अब हम लोग 940 का लेवल, 20,940 का लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, ये अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग ऊपर के लेवल्स देखेंगे। और पहला टारगेट छोटा होगा 960 का, और ये क्रॉस करने के बाद हम लोग 21,020 से 30 तक का भी टारगेट कल देख सकते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि RBI की जो पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होने वाली है जो होती है जनरली आप लोगों को पता है 2 मंथ में होती है ये, तो जिसपे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट पे बात की जाती है। तो उस बेस पे आप लोग देखो, सीधी सी बात रखो, अगर कुछ नेगेटिव नहीं डिस्कस होता है तो फिर कल 21,000 का लेवल देखा जा सकता है। अगर जो रेट वगैरह है वो अनचेंज्ड रहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे 21,000 को देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना 940 से देखोगे आप लोग मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा 940 से, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड्स देखने हैं, या 10:20 के बाद आप ट्रेड देख सकते हो कल। तो लेबल्स ध्यान रखना, जिधर भी जाएगा एक शार्प मूव आपको कल देखने को मिलेगा। हम लोगों ने लेवल डिस्कस कर रखा है, यही लेवल कल के लिए भी रहेगा। अगर 850 का लेवल कल ब्रेक करता है नीचे की ओर तो फिर हम लोग यहाँ तक के भी लेवल्स देख सकते हैं, वो क्या होगा 750 तक का भी लेवल देखा जा सकता है। और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि 940 का लेवल अगर क्रॉस करता है ऊपर तो फिर हम लोग 21,020 या 30 का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो ये लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है। आज हम लोग ऑप्शन चेन इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो हम लोग प्रॉपर नहीं देखेंगे। देखो हम लोग डेट चेंज करके भी देख सकते हैं बट हम लोगों ने ये जो लेवल देखा है इससे भी आप इजी वे में चीजों को समझ सकते हो। अब चलो हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और आज कैसे मार्केट ने बिहेव किया और कल कैसे बिहेव कर सकता है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर ये लेवल 750 का लेवल 46,750 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 500 तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं, 500-300 तक। तो और ये भी मैंने कहा था कि 500 का जो लेवल है ये एक राउंड लेवल है
और यहाँ पे एक सपोर्ट, ये 500 का जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह भी बिहेव करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया तो 510 के आसपास आया, उसके बाद इसने 507 का लो बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे नहीं आया। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जाता हुआ नजर आया और यहाँ पे ये होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल इसको भी ऐसे ही सिंपल ही रखना है, समझना है आज का जो हाई है उसको ध्यान में रखना है, आज का हाई ध्यान में रखना है और ये लेवल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 650 का लेवल है, नीचे 650 का लेवल है, ठीक है। नीचे 650 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, नीचे 650 का लेवल हो गया। और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो 900 का लेवल, 950 का लेवल होगा, 300 पॉइंट्स का लेवल जो है ये ब्रेक करे तो अच्छे खासे ट्रेड्स मिल सकते हैं आपको। और अगर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करें तो मार्केट को हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स की अगर बात करें, ऊपर के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये पहला टारगेट ये होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है 47050 का, और ये क्रॉस करते ही हम लोग 200-220 का लेवल देख सकते हैं। ये सस्टेन करेगा तभी हम लोग ऊपर 300 और 400 का भी लेवल देख सकते हैं। तो कल आरबीआई की जो मीटिंग है पॉलिसी से रिलेटेड, उसके आप लोगों को कॉन्शियस रहना होगा, ध्यान रखना होगा, उस बेस पे ही ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नीचे के भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग नीचे के लेवल्स जो देखेंगे 46,400 और 300 भी देख सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं जरा। देखोगे यहाँ पर आप लोग 47,000 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, यहाँ पर लगभग 21 लाख के आसपास है, और यानी ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और जब मार्केट 220 या 230 क्रॉस करेगा तभी ऊपर के मूव्स हम लोग देख सकते हैं, और ये जो है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मिल सकती है। और नीचे के लेवल्स में देखोगे आप लोग कि 46,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, लगभग 20 लाख के आसपास यहाँ भी आप लोग इसको देख सकते हो, और 47 पे भी कोशिश की जा रही है। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखना। और अगर हम लोग पीसीआर की बात करें तो ये लगभग न्यूट्रल है, आप इसको न्यूट्रल मानो, ठीक है, इसको न्यूट्रल मानना है, ये नहीं कि ये बैरिश है, इसको न्यूट्रल मानना है, पीसीआर न्यूट्रल है। तो उस तरह से ही लेवल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए उस बेस पे ही चीजों को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, तभी आपकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी। और हमेशा ध्यान रखो एसएल सेटअप के साथ ही और साइकोलॉजी, तीन चीज का ध्यान रखो ट्रेडिंग में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज सारी जो कुछ भी, मतलब चीजों को ऐसे समझो आप कि कुछ भी आपने अगर बनाया है तो मार्केट अगर रूल नहीं बनाते हो आप और उस पर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो सारी चीजें मार्केट लेकर छीन कर जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे, एक सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में भी ये लेवल आप लोग ध्यान रखो, ये लेवल ध्यान रखो, ठीक है, ये लेवल ध्यान रखना है। जिधर भी मार्केट निकले वहां से 50-60 पॉइंट इजी मिल सकते हैं, बट ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो जब तक 750 जब तक क्रॉस नहीं करता है, 15 मिनट का एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं दिखता है, तब तक ऊपर के मूव्स के बारे में आप नहीं सोच सकते हो। और ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो सेंसेक्स के लिए एक और न्यू ATH लगभग 69,900 या 70,000 भी देखा जा सकता है,
तो लेबल्स आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बॉक्स बनाना है, एनालिसिस देखो आप लोग, उसके बाद एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज करो, इसको यहाँ पे आप डालो, ठीक है, और फीडिंग इस बेस पे ही करना है आपको, ठीक है। तो चीजों को समझते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहना है। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।